अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं जो आप लोगों को रिव्यू दूंगी वो ड्राई स्किन पर आप लोग किस तरह से फेस लगा सकते हैं। तो जो पैनकेक होता है वो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। और ड्राई स्किन पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले अच्छे से मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को, ठीक है। कोई भी लोशन वगैरह ले लें या कोई भी सीरम वगैरह अच्छा सा लेकर प्राइमर वगैरह आप लोग अच्छे से अप्लाई कर फिर पैनकेक यूज़ करें। पर आज जो है वो मैं ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ, केरलॉन का। ये ड्राई स्किन के लिए है और इतनी कोई गर्मी हो रही है क्योंकि जो हमें वीडियो बनानी होती है ना वो उसके लिए फ़ैन की आवाज़ इतनी आ जाती है कोई पीछे से, तो फ़ैन ऑफ किया हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है कि पसीना बह रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये केरलॉन का है एक्वा केक, ठीक है, मेन केक। तो ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए, तो ये ज़्यादातर हम स्टिक के ऊपर यूज़ करते हैं जैसे ब्राइडल या पार्टी मेकअप के लिए। तो अभी मैं वो कुछ भी नहीं बता रही, नॉर्मल जो हम मेकअप करते हैं या कोई इवेंट्स वगैरह के लिए, दावत वगैरह के लिए, तो आप लोग ये भी अप्लाई, ये भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल में आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले कोई स्टिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही बता रही हूँ। तो आप लोग ये सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं बताऊँगी। और ये वाला जो है ये मेरा काफ़ी थोड़ा पुराना हो गया है, तो अब मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरा ऐसी समझे मैंने पूरा ले लिया था, पूरी मतलब इतना यूज़ भी नहीं हुआ और ये ज़ाया हो गया, काफ़ी पुराना हो गया, तो इस वजह से मैं न्यू लेकर आई हूँ। और ये मैं क्वार्टर लेकर आई हूँ क्योंकि एक मेरा ज़ाया हो चुका है, मुझे इतना यूज़ नहीं होता, और इस वजह से ये भी काफ़ी टाइम चलता है। जिसका क्वार्टर में लेकर आई हूँ ना, ये भी काफ़ी टाइम चलता है। और वो वाला जो है उस टाइम मेरा पॉलर वगैरह का भी इतना कुछ नहीं था, सिर्फ मैं ही यूज़ करती थी, इस वजह से इतना यूज़ नहीं हुआ। तो अब जो है अब तो पार्टी मेकअप वगैरह मेरे पास आते हैं, ब्राइडल आते हैं, तो अब तो अच्छा खासा यूज़ हो जाता है, मगर मैंने फिर भी क्वार्टर लिया क्योंकि काफ़ी टाइम चलता है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से मैंने लाई हूँ ये क्वार्टर, ये आइवरी शेड है मेरे पास, ठीक है, पिंक स्टोन में है। तो ये हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह अप्लाई होगा ये हमारे फेस पे। ड्राई स्किन के लिए ये ज़बरदस्त है, ठीक है ना। और जो कैलॉन स्टिक है और जो ये पेन केक है, इसकी प्राइस एक ही है। तो पहले अभी कुछ टाइम पहले तो ये कितने का, 600 का मिल रहा था इसका क्वार्टर ना, तो अब ये मुझे मिला है 750 का, ठीक है, 750 का इसका क्वार्टर हो चुका है। 750 का भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं शॉप्स कॉस्मेटिक्स वाले, बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, फाइनल वो 800 कर रहे हैं इसके क्वार्टर के, 800। तो ये जो मैं लाई हूँ ये 750 में लाई हूँ क्वार्टर, ठीक है। तो ये हम यूज़ करके देखते हैं, और ये यूज़ किस तरह करना है बताती हूँ आप लोगों को। ये यूज़ करने के काफ़ी तरीके हैं, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका बताऊँगी। तो सबसे जो एक तरीका है वो ये भी है कि हम इसको हल्का सा निकाल के उसको हल्का सा लिक्विड बनाकर, तो उसमें आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हल्का सा आप लोग सीरम या ऑयल डालना चाहें तो वो भी यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको उसको रिव्यू दे दूँगी कि कितनी स्किन ग्लो हो जाती है उससे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप लोग इसको पानी के साथ निकाल के मिक्स कर लेंगे, उसका अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे उसको, तो आप ब्रश के साथ लगा कर उसको पफ के साथ अच्छे से टैप टैप करके आप लोग सेट कर सकते हैं। मगर मैं जो है आप लोगों को आसान तरीका बताऊँगी, ठीक है ना। और दूसरा तरीका हमारा ये है, चलिए मैं जल्दी बताती हूँ। ये आप लोगों ने पफ लिया, ठीक है, इसको हम गीला कर लेंगे, ये हमने गीला कर लिया है इसको, ठीक है। अब ये जो हमारा बेस है ये हम लोग कोई भी इवेंट्स वगैरह में जा रहे हैं तो हम उस टाइम के लिए भी ये बेस बना सकते हैं, ये नॉर्मल रूटीन हम दावतों में जाते हैं, ईद पर भी आप इसको लगा के अपना अच्छे से मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइडल के लिए यूज़ हो, क्योंकि ये हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिया हमने और ये गीला पफ, अब ये गीला पफ जो है ना इसको हल्के से हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से, ठीक है, टैप टैप करके आ गया। ये देखें मैंने इतना सा कोई लिया है, ठीक है, और ये कितना ज़्यादा कवरेज इसकी आ चुकी है पफ में, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लोगों को टैप टैप करके ही लगाना है, ये अगर आप लोग इसका क्वार्टर ले लेंगे तो ये आपका काफ़ी टाइम तक चल सकता है, काफ़ी टाइम आपका निकल सकता है, ठीक है ना। एक दफ़े पैसे खर्च करने की बात है, ये आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। ये आप लोगों को टैप टैप करके ही यूज़ करना है, और ये काफ़ी ज़्यादा कवरेज इसकी आ चुकी है, मुझे थोड़ी लाइट लेनी थी मगर ये काफ़ी आ चुकी है, ठीक है। तो ये देख लें अभी एकदम से वाइट तो हो जाएगा, मगर इसके बाद बिल्कुल ही गायब हो जाता है, कोई इतना वाइट नहीं रहता, आप लोगों को डरना नहीं है लगाते टाइम।
तो इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथ से आप लोगों को इस तरह टैप टैप करते रहना है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा बेस नहीं बनेगा। फिर आप लोग यही सोचेंगे कि यार ये क्या हो गया हमारे बेस को, ये पूरी स्किन जो ख़राब हो गई और हर जगह से मतलब इस तरह मतलब पैची पैची क्यों हो गया ना बिल्कुल। तो इसी तरह आप लोगों को हल्के हाथ रखना है आप लोगों को, ठीक है, और ये बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, ये आप लोग बात में ख़ुद देखिएगा। देखें कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, कोई मुश्किल काम है ही नहीं, ठीक है ना। और ये लगाना कोई इतना आसान है, ठीक है, कोई स्टिक नहीं लगानी आप लोगों को, कोई लिक्विड फाउंडेशन काफ़ी लोगों को मुश्किल हो जाता है कि लिक्विड बेस हम यूज़ नहीं कर पाते, काफ़ी लड़कियाँ उनको ब्लेंडिंग करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों के पास ये मौजूद है तो आप लोग इसको इसका बेस बना के भी अच्छा से मेकअप कर सकते हैं। तो ये देख लें कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो चुका है ना, ठीक है। और ये देख लें जब मैंने ये लगाया था तो कितना कोई वाइट हो गया था, कितना वाइट हो गया था। अब देखिए मैंने गले में कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, सिर्फ यहाँ यहाँ तक लगाया है, यहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बेस नहीं लगाया है। तो एकदम से कितना वाइट हो गया था, और अब आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये इतना कोई फ़र्क नहीं है और कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। वरना स्टिक हमें ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लिक्विड बेस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मगर ये देख लें कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। देखिए कितना ग्लो भी आ रहा है ना फेस पर, देखें। तो ये हमारा बेस हो चुका है। इसके बाद हम कोई भी फेस पाउडर हो आप लोगों के पास तो उसको इसके ऊपर लगाकर आप लोग फिक्स कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो बस यही है। और आप लोगों को अगर कोई भी बेस चाहिए हो, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन या स्टिक वगैरह, तो आप लोग अपने हैंड पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया करें, क्योंकि हैंड पे तो हमारा कुछ भी लगाओ वो अच्छा ही लगता है और फिक्स हो जाता है हमारा अच्छे से बिल्कुल मतलब। तो अभी जो हमें अपनी बेस ट्राई करनी होती है ना कि हमारी बेस कहाँ लगाओ, तो पता चलता है कि ये हमारी स्किन के लिए बेस्ट है, तो वो यहाँ पर आप लोग लगा के यूज़ करा करें, ठीक है, इस वाले हिस्से में यूज़ करा करें, क्योंकि जो हमारी स्किन जो हमारी बेस फटती है ना वो यहीं से फटती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाल यहाँ पे जो स्किन है ना यहाँ हमारे हेयर होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे बेस फिक्स हो गई तो मतलब वो जो फाउंडेशन है वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, ठीक है। ग्लोइंग बेस अगर आप लोगों को मालूम करनी है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ग्लोइंग बेस हम कैसे बना सकते हैं, और तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि बता दूं, ठीक है। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ग्लोइंग बेस सीखनी है, ब्राइडल बेस सीखनी है, और कैलोन स्टिक किस तरह यूज़ करी जाती है, तो उस वो अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग, और इस वाली वीडियो में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देकर आप लोगों को क्लियर कर दूंगी बात, ठीक। तो चलें आज की जो वीडियो थी वो बेस के ऊपर थी, कैलोन एक्वा केक आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और देख लें कितना आसान तरीका होता है इसका यूज़ करने का। ज़्यादातर ये लोग ये यूज़ नहीं करते, ज़्यादा फाउंडेशन ही यूज़ होता है, वो लड़कियों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लोग के घर ये मौजूद, काफ़ी घरों में ये मौजूद होती है, तो ये मैंने तरीका बता दिया है, तो आप लोग ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा छोटा सा छोटी सी वीडियो थी बेस के बारे में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ब्राइडल बेस भी बताऊँगी और ग्लोइंग बेस हम किस तरह बनाते हैं ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो हम यहीं पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरा मुंह बोल बोल के थक चुका है। प्लीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और सबसे बड़ी बात शेयर लाजमी कर दिया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कि वो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ जो मेरा लिंक होता है वो शेयर कर दिया करें, और दुआ में याद रखा करें, ठीक। और ईद की तैयारी आप लोग कैसे चल रही है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कर दिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो बस खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए भी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बस ओके, बाय, खुदा हाफिज़।